25,000 के दो इनामी अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार। एसओजी एवं थाना लहरपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत भरपर क्षेत्र में, आपको बता दें कि शारदा नहर पुल के पास से थाना ताल गांव में वांछित 25,000 के इनामिया दो अपराधियों हारून पुत्र वशीर निवासी जालिमपुर थाना सकरन तथा मोहम्मद जलील उर्फ जल्ला पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी गोराखट सुपाली थाना रेवसा जनपद सीतापुर को पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 3 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन तथा 1 अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की है। अभियुक्तगण शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में लूट, चोरी, नकाबजनी, अवैध शस्त्र, हत्या का प्रयास, मादक द्रव्य, पदार्थ तस्करी इत्यादि संगीन अपराधों में करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। थाना लहरपुर के अंतर्गत भतपर चौकी के निकट आज एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 इनामी बदमाश जिनका नाम मोहम्मद हारून और मोहम्मद जलील है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये सकरन रेवसा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इन अपराधियों के द्वारा लगातार जनपद सीतापुर में तथा आसपास के अन्य जनपदों जैसे जनपद बाराबंकी व जनपद प्रतापगढ़ में चोरी नकबजनी की घटनाएं लगातार कारित की जा रही थी। इनकी पुलिस टीम के द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी। आज सुबह जब यहां पर नहर की पटरी के पास में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के गोली लगी है, जिसमें इन दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीम के द्वारा मौके से अवैध शस्त्र 2 तथा जिंदा कारतूस व दगे हुए कारतूस कुछ बरामद किए गए हैं। 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके द्वारा प्रतापगढ़ जिले में कुल 20 चोरियां पिछले 1 महीने में की गई हैं, जिनमें से एक जगह पर इनके द्वारा एक लाइसेंसी अस्त्र भी चुराया गया था, जिसे पूर्व में प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा भी उनको बुलाकर इनके साथ पूछताछ की जाएगी। जनपद सीतापुर में इनके द्वारा तालगांव, रेवसा व लहरपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं की गई हैं, जिनका जल्दी पूछताछ में इसका खुलासा किया जाएगा। इनका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।